करवाएंगे जी दोस्तों आप लोग बता दे लुधियाना में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का बहिष्कार दौड़ा दौड़ा कर भगाया बीजेपी वालों को इसके बारे में आपको बताएंगे वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नरेश टिकेट जी हाँ राकेश टिकेट के भाई का बड़ा ऐलान बोले सिर्फ एक मात्र विकल्प सरकार के पास तीनों काले कानून वापस और एमएसपी पर गारंटी इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक फरवरी को जी हाँ एक फरवरी को कल फिर से महापंचायत है आप लोग बता दे हजारों की तादाद में कल से किसान जो है यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर कुंज कर जाएंगे जी हाँ राकेश टिकेज के भाई का बड़ा ऐलान हो गया इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दोस्तों आप लोग बताते राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार कहा फिलहाल मोदी सरकार किसानों को कौन सी जड़ी बूटी देना चाहती है ये सरकार ही नहीं जानती जी लगातार काले कानून को लाने के लिए अतुर है मोदी सरकार इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता बताते जबरदस्त तरीके से धाराशाही हो गया बीजेपी का का नेता जी आप लोग बता दे, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप कहा एक ही स्वेटर पहनकर हर जगह जाता है ये कभी जो है दोस्तों आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करता है और सिंगू बाजार पर पत्थरबाजी में ये बीजेपी का नेता सबसे आगे था आम आदमी पार्टी ने बोला कि मोदी जी अब तो स्वेटर से पहचान लीजिए दरअसल मोदी जी ने एक बार एक बात बोली थी कि कपड़ों से इंसान को पहचान लेता हूं तो ताना मारते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मोदी जी अब तो पहचान दीजिए एक ही स्वेटर है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें फिलहाल राकेश टिकेश का बड़ा ऐलान कहा किसान झुकने वाला नहीं गोदी मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो उसने पूरी रात भर ये झूठा वीडियो चलाया कि अब देखिए गाजीपुर बॉर्डर जो खाली होने वाली और दोस्तों ऐसी खुशी थी गोदी मीडिया के चेहरे पर कि मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही जी हाँ इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ दरअसल आप लोग बताए दोस्तों दीप सिद्धू का वीडियो वायरल कहा फिलहाल हमारे परिवार को परेशान ना करें जी हाँ उल्टा किसानों पर किसान नेताओं पर ही आरोप लगा रहा है कि वो भड़का रहे थे लोगों को मैं दो दिन बाद आकर खुद सिलेंडर करूंगा अपने सबूत जुटा रहा हूँ सोचिए दोस्तों इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसान नेता योगेंद्र यादव बोले फिलहाल ये देश की लड़ाई है जी हाँ ये देश की लड़ाई है और अब यह आंदोलन बहुत बड़ा बन चुका का है अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर, कर देंगे फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर दरअसल दोस्तों आप लोग बता दे लगातार बीजेपी घेरे में आती जा रही जी राकेश टिकेश का बड़ा का। उन मीडिया को सलाम करता हूं भर वीडियो कर जो किसानों को बदनाम करने की कोशिश की और खाली होने वाला है लेकिन उस दिन मेरे जमीन ने राकेश टिकेश ने कहा मुझसे कहा था कि तू यह धरना खत्म नहीं कर सकता यह धरना आगे बढ़ेगा उस दिन जो यहां पर अल्लाह गुरु और भगवान ने यह धरने को बचाया दोस्तों राकेश टिकेज का कहना है कि

खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही जी हम मथुरा की महापंचायत ने उड़ाए मोदी के होश जी अब पूरी तरीके से वीडियो हुआ वायरल दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब गाजीपुर के बाद जो यहाँ पर मथुरा की महापंचायत ने होश उड़ा दिए आप लोग बता दें मथुरा की महापंचायत में लोगों का हजूम उमड़ पड़ा उन्हें देख तो ऐसा लगता है कि अब की बार भाजपाइयों का अंत तय है दोस्तों हमने इससे पहले इससे पहले इतने लोग कभी नहीं देखे चलिए दोस्तों मान लेते कुछ लोग जो यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले होंगे जो कि मोदी को वोट दे देते होंगे 20 से 30 परसेंट लोग लेकिन दोस्तों किसानों के आगे वो वोटर भी अब किसी काम नहीं आएंगे इतने किसान दोस्तों मथुरा की जो महापंचायत हुई है ये वीडियो लोगों द्वारा शेयर किया गया है इतनी बड़ी महापंचायत अभी किसी ने नहीं देखी गाजीपुर के बाद ये दूसरी महापंचायत है जो कि इतने बड़े स्तर पर हुई है लाखों किसानों की, की तादाद थी लोगों ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार समझ ले ये किसान की हुंकार है और जब किसान दोस्तों दहाड़ता है तो मान लीजिए अच्छे से अच्छा इंसान भी नीचे पानी भरने लगता है किसानों का बड़ा फैसला बोले दिल्ली की तरफ कुंज कर जाएंगे सारे ट्रैक्टर ट्राली लेकर एक तारीख से दोस्तों दिल्ली की तरफ बढ़ना है यानी कि कल से एक फरवरी से जो है वो सब लोग दिल्ली की तरफ कुंज करेंगे और ये फिलहाल किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल सरकार रोक नहीं सकती शांतिपूर्ण ढंग से ऐसी और सरकार और किसानों को किसानों को हमारा पूरा समर्थन रहेगा यानी कि दोस्तों अब किसानों ने महापंचायत करना शुरू कर दिया और मथुरा की इस महापंचायत के बाद मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर तंज बोले मोदी जी अब तो पहचान लीजिए एक ही स्वेटर दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी का एक अंधभक्त और जो है हिंदू संगठन का ये हर जगह जाकर दोस्तों एक ही स्वेटर पहनता है और जो है यहाँ पर हर जगह जाकर प्रदर्शन करता है दरअसल आप लोग बता दें आम आदमी पार्टी के कुछ भी आयोजित कार्यक्रम होते हैं उसमें जाकर उसका विरोध करता है और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें ये शख्स सबसे आगे था इसकी लास्ट फोटो जो हमें मिली आप देख सकते हैं बीजेपी के साथ मिली सनी देओल के साथ इसकी फोटो लगी हुई है बीजेपी के साथ है ये और इस वीडियो को लोगों ने जमकर वायरल किया जिसके बाद इसका एक और मजाक भी बना दोस्तों कि ये हर जगह एक ही स्वेटर पहनकर जा रहा है जिसके बाद आम आदमी पार्टी के ने लिखा कि फिलहाल मोदी जी अब तो पहचान लीजिए कपड़ों से अपने ही लोगों से पत्थरबाजी करवाने में क्या मजा आता होगा दोस्तों बीजेपी को जानबूझकर आंदोलन खत्म करने के लिए खुद हिंसा फैलवाते हैं इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने बोला कि मोदी जी अब तो पहचान ही है एक ही कलर का स्वेटर हर पहन कर हर जगह पहन कर जा रहा है यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों कहकर ले ली है जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल के आ रही है हरियाणा के सोलह ज़िलों में इंटरनेट बंद भड़के किसान जी बोले इन भाजपाइयों का दाना पानी बंद कर देंगे गाँव में आना पूरी तरीके से बैन करेंगे दरअसल दोस्तों आप लोग बता बताते लगातार जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके बाद हरियाणा के सोलह जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि दोस्तों किसान एकजुट ना हो पाए और आगे ना बढ़ पाए इसको लेकर लगातार इस तरीके की बर्बक्ता चल रही है लेकिन दोस्तों आपको बता दें फिलहाल किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया उनका कहना है कि फ़िलहाल इन भाजपाइयों को जब भी कुछ होता है तो इंटरनेट सबसे सब पहले बंद कर दिया जाता है इन भाजपाइयों का गांव में घुसना बंद करेंगे जी हाँ किसी भी भाजपाई को अब गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इन पर बैन लगाया जाएगा और जो भी भाजपाइयों को वोट देगा उसको भी उसका भी बहिष्कार किया जाएगा जी हाँ दोस्तों यानी कि बीजेपी की लंबी तरीके से लग चुकी है और अब हर जगह से बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही जी आप लोग बताते दरअसल बीजेपी के बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर राकेश टिकेश के भाई ने बोला बड़ा हमला आप लोग बताते राकेश टिकेश के भाई नरेश टिकेश ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के पास यानी कि सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प काले कानून को तत्काल में वापस ले एम एस पी पर एक्ट बनाए तब तक वापस जाने वाले नहीं है जी उनका कहना है कि फ़िलहाल हज़ारों लाखों के किसान दिल्ली कुंज कर जाएंगे जी सरकार डराना धमकाना बंद कर दे और आंदोलन को ख़त्म करने की धमकी जो बिल्कुल भी ना दे दोस्तों जिस तरीके से हैं पुलिस के बीच में जाकर भाजपाइयों के गुंडों ने भी लाठियां चलाई हैं किसानों के ऊपर इसको लेकर अब किसान भड़क चुके पुलिस का तो फिर भी दोस्तों एक बार समझ में आता है कि ठीक है पुलिस का ये काम है वो कर रही है लेकिन दोस्तों पुलिस अपने साथ भाजपा के दलों को लेकर जाएगी और उनसे पिटवाएगी तो ये सहन नहीं करेगा इस देश का किसान जी है, इस देश का किसान किसी की मार खाने के लिए नहीं बल्कि अन्न उगा हमें खिलाता है और जिस हाथ से वो अन्न उगाता है उस हाथ से वो मार भी सकता है जी है, और डंडा पकड़ भी सकता है इस तरीके से जो है नरेश टिकेश ने बड़ी बातें बोल दी फिलहाल खैर चलाई चलिए हम बढ़ते हैं और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों लुधियाना में भयंकर विरोध जी दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी बीजेपी के जो लोग हैं वो झंडा यात्रा निकाल रहे थे जिसको लेकर लोग जो लुधियाना के लोग थे उन्होंने जबरदस्त तरीके से दौड़ाया दरअसल उन्होंने कहा कि फिलहाल हमसे बड़े देशभक्त बनोगे तुम और ऐसे में दोस्तों बीजेपी का ये जो आयोजित कार्यक्रम था जहाँ पर झंडे निकाले जा रहे थे बीजेपी की तरफ से लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर लुधियाना में भगाया फोले बोले हमसे बड़ा देशभक्त और कोई नहीं है तुम लोग झंडा यात्रा निकाल लो जबकि सच्चाई तो यह दोस्तों कि बीजेपी वाले सबसे बड़े सबसे ज्यादा करप्ट लोग बीजेपी में ही भरे पड़े हैं और इस तरीके से किसानों ने अपना आक्रोश बताते हुए जो बीजेपी वालों को जमकर दौड़ा दिया जी फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें फिलहाल अब हनुमान बेनीवाला ने किया बजट सत्र का बहिष्कार बोले मोदी जी अभी भी वक्त है अभी भी हम आपसे बोल रहे हैं ये अपील करते हैं कि फ़िलहाल किसानों के काले कानून को वापस ले लिया जाए इसमें एक बार और सोचना चाहिए आपको और मैं इस बजट सत्र का किसान भाइयों के लिए बहिष्कार करता हूँ जी दोस्तों आप लोग बता दें दरअसल अब यहाँ पर हनुमान बेनीवाला ने इस जो भी ये रैली थी या फिर सॉरी बजट सत्र था जो उसको जो उसका जो है दोस्तों बहिष्कार कर दिया गया है और साफ साफ बोल दिया गया है कि फ़िलहाल इस चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा वार बोले कुछ पूंजीपति यारों के लिए किसानों को प्रताड़ित कर रही मोदी सरकार किस तरफ लेकर जाना चाहती है देश को जी लगातार देश की जीडीपी गिरती जा रही आप लोग बताते दोस्तों संसद में भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया था उनका कहना था कि फिलहाल किसानों के साथ ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा कल दोस्तों पूरे पूरे बिहार में जो यहाँ पर लेफ्ट पार्टी समीज आप लोग बताते आर जे और कांग्रेस समीत सभी लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाकर मोदी सरकार का बहिष्कार किया था उन्होंने तो इस काले कानूनों को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भी किया था लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान निकल कर आ रहे हैं राहुल गांधी दोस्तों लगातार मोदी सरकार को घेरते चले आ रहे है किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का एक सीजन नजरिया है वो ये कि इस काले कानून को वापस ले लेना चाहिए सोचिए दोस्तों कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटाए थे एक बार वो एक कानून लाई थी किसानों के पीछे जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था लेकिन कांग्रेस ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे मनमोहन सिंह साहब ने लेकिन सोची कि भाजपा की नाक कितनी बड़ी ऊपर है आज तो लोगों को धरना देते देते इतने दिन हो गए जब बीजेपी जो है अपनी बात से नहीं हिली इसका साफ मतलब ये दोस्तों की लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है भाजपा की सरकार वो चाहती है कि जब तक उसकी सरकार है, कोई भी आम आदमी उसकी पार्टी के खिलाफ मुंह ना खोले अगर कोई कुछ बोलता है दोस्तों तो उसके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है किसी आम आदमी के खिलाफ वो तो इनका बस नहीं चलता दोस्तों वरना हर आदमी के मुंह पर टेप लगाकर रख दे फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताए दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है आप लोग बताएं दीप सिद्धू का वीडियो वायरल बोले हमारे घर वालों को परेशान मत करो जी हाँ दो दिन बाद आकर खुद ही सरेंडर कर देंगे दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दीप सिद्धू के ख़िलाफ़ वारंट जारी हो चुका जिसके बाद दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कर कि फ़िलहाल किसान नेता भड़काते थे इन किसानों को भड़काते हैं और वही जो है रैलियाँ करने को बोलते थे यानी कि दीप सिद्धू दोस्तों खुद फंस गया किसान नेताओं ने इसके विरुद्ध जवाब दिया तो अब बिल बिला रहा है जी फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर जी, आ रही गुज्जर का भयंकर विरोध जी राकेश टिकेश को दी थी धमकी दरअसल दोस्तों आप लोग बीजेपी नेता नंद किशोर जो अभी आ, यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ था उसमें जो है यहां पर नंदकिशोर के जो पार्टी करता है वो लोग भी दोस्तों पुलिस वालों के साथ लाठी चला रहे थे किसानों के ऊपर जिसके चलते अब आप लोग बता दें बीजेपी के नेता नंदकिशोर गुज्जर के ऊपर लोगों ने बैन लगा दिया कहा राकेश बा, राकेश टिकेश के ऊपर लाठी चलाने गया था अब इसको बैन करते हैं गांव में गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा जी हाँ तो नंद किशोर गुज्जर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बो, बोले राकेश बाबा को जो धमकी देगा उसका भविष्य किया जाएगा और दोस्तों किसानों के ऊपर लाठी भी चलाई थी इनकी पार्टी के लोगों ने उस दिन दिल्ली में आकर जिसके चलते लोग भयंकर गुस्से में और आप लोग बता दें यहां पर नंद किशोर गुज्जर का भयंकर तरीके से विरोध किया जा रहा है कि अब इस फिलहाल इस भाजपा के दल्ले को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ बताए दोस्तों अगली जो बड़ी ख़बर निकल के आ रही है आप लोग बताए दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं को बीजेपी के कई नेताओं ने दिए अपने इस्तीफे दिए कहा फ़िलहाल किसानों के विरुद्ध नहीं जा सकते दरअसल दोस्तों आप लोग बता दे बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी के कुछ कई विधायक जो यहाँ पर इस्तीफा देने को आतुर हो गए आप लोग बता दें राकेश टिकेश के भाई नरेश टिकेश के पास भी कई फ़ोन आ रहा है कि हम जो यहाँ पर अब भाजपा का साथ नहीं देंगे अब और किसानों की हमसे ये मुकाबलत देखी नहीं जाती और जिस तरीके से बुराई की जा रही है किसानों की दोस्तों आतंकवादी बताया जा रहा है अपने आप में एक घृणा वाली बात है शर्म आना चाहिए देश की उस गोदी मीडिया को या फिर यूं कह दे कि ये मीडिया पूरी तरीके से दोस्तों नंगी हो चुकी है सबके सामने कि किस तरीके से झूठ फैलाती है इसको लेकर राकेश टिकेश ने भी बड़ा हमला बोला कि फिलहाल हम तो धन्यवाद करते जो झूठ चलाया गया रात भर के अब गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाली है और दोस्तों इतने खुश थी उस दिन मीडिया मानो उस दिन उनको न जाने कौन सी चीज मिल गई वही वो वो मीडिया जो अभी कुछ दिनों से अपने चैनल पर कुछ नहीं बता रही थी किसानों का लेकिन जैसे ही पता चला कि अब गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाली है तो खुशी से पुलिस के साथ पहुंची कवर करने पुलिस पुलिस की गाड़ियों में सोचिए और बाहर के रिपोर्टर जो थे उन्हें अंदर नहीं आने दे रही थी आखिर ऐसी क्या साठ गांट कर रखी केंद्र ने भाई जो अपने लोगों को जरा सी मुश्किल में नहीं देख सकती है फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो इस सरकार एक तानाशाह सरकार है इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए